कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल हैविंग अ ग्रेट टाइम। मेरा नाम है गुरतेज और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, जो कि ब्रांड न्यू YouTube चैनल है, जिसका नाम है हुनर ट्रैवल द, जिसमें हम ट्रैवल के रिलेटेड ब्लॉग्स अपलोड करेंगे। सो ये हमारा पहला ब्लॉग है और इसमें ये जो ब्लॉग है, इसका स्पेशल ये है कि ये हम एक फैमिली पहला ट्रिप है हमारा, मम्मी पापा जिसमें हम सब जा रहे हैं, मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, जिसमें हम गोवा जा रहे हैं वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करने और कुछ सरप्राइजेस रहे। अच्छा ठीक है, गोवा जा रहे हैं वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करने और कुछ सरप्राइजेस रहेंगे इसमें, मेरी वाइफ के लिए, मेरी मम्मी पापा के लिए। और आप देखिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, पहला व्लॉग है। देखने से मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है इसमें? मतलब एक थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा कि हम गोवा जा रहे हैं बट किसी को नहीं पता, और हम बता के जा रहे हैं कि हम जयपुर जाएंगे बट हम जा रहे हैं गोवा। सो लेट्स सी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, गोवा। सो लेट्स सी क्या कैसा उनका रिस्पांस रहता है मेरी फैमिली का। सो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो सुबह के 2:30 हो गए हैं, हम रेडी हो गए हैं और वो भी उठ गया है। अभी देते हैं, मैं आपको बताऊंगा चलो। तो इसके साथ ही गाइस हम निकल पड़े एयरपोर्ट की तरफ, और जो कि हमारे घर से 30 से 35 मिनट की दूरी पर है अगर ट्रैफिक ना हो तो। और फिर हम पहुंच गए कुछ ही देर में टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ये आप देख सकते हैं कुछ एयरक्राफ्ट, और बहुत बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी बिकॉज मैं पूरी रात नहीं सोया, क्योंकि जल्दी की फ़्लाइट थी और हमें जल्दी उठना था, तो मुझे डर था कि हम कहीं उठ ही ना पाएँ। सो इसी चक्कर में मैं सोया ही नहीं। और उसके बाद हम चेक इन पे, सिक्योरिटी जो चेक इन होती है एयरपोर्ट पे एंट्री के वक्त, वहाँ खड़े हुए, ये सब के आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं, पूजा हंसती हुई, शायद पता लग गया उसको। फिर उसके बाद हम चेक इन करते हुए ये हुनर संधु अपना पासपोर्ट चेक कराते हुए, और बहुत गौर से देख रहा था, जैसे कि वो कह रहा था कि अरे अंकल बहुत लंबी लाइन में लग के बनवाए पासपोर्ट, वापस दो मुझे। हेलो गाइस, तो हम पहुंच गए एयरपोर्ट फाइनली, और ये गड़बड़ हो गई है, सरप्राइज नहीं रहा, क्योंकि मेरे भाई ने पहले ही उनको कैब में ही बता दिया कि हम गोवा जा रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सरप्राइज वाला मोमेंट था वो तो चले गया, बट लेट्स सी कुछ और भी चीज़ें। और उसके बाद हम अपने बैग चेक इन कराते हुए, यहाँ पे हमने अपने बोर्डिंग पास कलेक्ट करे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। और उसके बाद हमने अपने बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिए, कैसा चाचा है सारे काम उससे कराता है, चलो हुनर सोच रहा होगा ये। क्या कहना चाहेंगे आप? और ये मम्मी और पूजा पोज करते हुए, और उसके बाद हम वेटिंग एरिया में चले गए बिकॉज फ्लाइट 1 घंटे बाद की थी और हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, तो हमने वहाँ पर वेटिंग एरिया में मैकडॉनल्ड में बैठ के कुछ मॉर्निंग स्नैक्स खाए और वेट किया अपनी फ्लाइट की नोटिफिकेशन का। और ये हुनर थोड़ा सा डिस्टर्ब
हो रहा है, शायद इरिटेट भी हो रहा है। तो ये देखो चेक राफ्ट। सो वी आर रेडी टू डिपार्चर। आ जाओ आ जाओ। तो बोर्डिंग हमने कर ली है ऑलमोस्ट, और ये हम बढ़ते हुए अपने एयरक्राफ्ट की तरफ। कुछ पेट में तितलियां उड़ने जैसा एक्सपीरियंस होता है ये। और ये हमने करवाया अपना बोर्डिंग पास स्कैन, और ये हम आगे अपने एयरक्राफ्ट में। हुनर भाई साहब जी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है पूरी रात सोने के बाद भी, पता नहीं क्यों। और ये टेक ऑफ लेते हुए पापा थोड़े से डरते हैं, और ये थोड़े से पापा के पसीने छूटते हुए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा थोड़ी देर में अभी कह देंगे कि गलत ले आया है, गलत, ये बहुत ऊपर ले आया है। क्यों मिलके गलत कैसे? महेंद्र देख नीचे बादल, बादल के ऊपर है हम। हाँ अरे यार कुछ दिख नहीं रहा, ठोकेगा ये, ठोकेगा। खुल नहीं रही यार, नहीं दिख रहा, निकल यार। और ये हुनर अपनी नींद पूरी करता हुआ बाहर के नज़ारों से, व्यू से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसे तो बस अपनी नींद से मतलब था। और क्या आपको एक मज़ेदार फैक्ट पता है कि जो प्लेन्स है वो इतनी ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? क्योंकि एक बार द ग्रेट खली अपनी छत पर खड़े हुए अंगड़ाई ले रहे थे, और एक एयरक्राफ्ट उनसे टकराता हुआ बाल बाल बचा। उसके बाद एयरलाइन ने फैसला किया कि हम इतनी ही दूरी पर प्लेन्स उड़ाया करेंगे। कोई सेंस है इस बात की? कौन सा कर पड़ा ये? तो 5:40 हो गए हैं, और हम थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे गोवा। सो अपडेट करते हैं आपको थोड़ी देर में। और ये हमारी स्मूथ लैंडिंग होती है, और इसी के साथ ही हमने 1825 किलोमीटर का जो सफ़र है 2:30 में पूरा किया सक्सेसफुली। और ये रही हमारी लैंडिंग के बाद की कुछ तस्वीरें एयर गोवा एयरपोर्ट पे। सो गाइस हम पहुंच गए हैं फाइनली गोवा, और हमारी जो गाड़ी है वो अभी आई नहीं है क्योंकि वो सो रहे हैं ड्राइवर साहब। यहाँ से ये प्लान इनका था भाई साहब जी का, तो यहाँ से हम जाएंगे हायर करके गाड़ी, बाकी उसके बाद अपडेट करते हैं। मुझे मालूम था कि जो मेरे भाई ने गाड़ी करवाई है वो नहीं आने वाला है इतनी सुबह सुबह, तो मैंने मेरे भाई से शर्त लगाई थी और जीते पूरे के पूरे। बीस शर्मे की भाई याद होती है, हारने के बाद भी मुझे कहता है मैं दूंगा सिर्फ और सिर्फ 150 रुपया देगा। उसके बाद ही हम गाड़ी हायर करके निकल गए अपनी पहली डेस्टिनेशन को, और रास्ते में हमें बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। It is a small boutique property located in Kalangut. ये देख सकते हैं आप इसकी लोकेलिटी। तो मैं भी आपको इसका ओवरव्यू करवाता हूँ। This is the reception area.
एंटर होते ही आपको एक छोटा सा ये ब्यूटीफुल सा फाउंटेन दिख जाएगा। और ये इनका रेस्टोरेंट है, छोटा सा प्यारा सा। और ये गाड़ी हमने अभी जस्ट हायर करी है, दिस इज स्विफ्ट ऑटोमेटिक। ये हमारे साथ रहेगी पूरे 4 दिन जब तक हम गोवा में है। ये है, और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ पूल साइड एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी। लुक एट दिस, दिस इज द पूल साइड एरिया। यहाँ पे भी एक ओवर व्यू है एंड दिस इज द व्यू। सो इट इज अ स्मॉल प्रॉपर्टी, छोटी सी प्रॉपर्टी है, बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है। एंड आफ्टर दैट वी हैव एंटर्ड इन आवर रूम, एंड रूम में घुसते ही मैंने बोला भाई ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। आज जी तो हम दोबारा सो के उठ गए और यहाँ पे हमें मिले हैं हमारे क्लासमेट कमल जी। कमल तनवर तनवर, बस तनवर ही बोलना सीख जाओ तुम। जो पूरी दूरी में नहीं मिले वो गोवा में मिले। तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी तनवर बोलने में, तनवर ही बोलना बस। हम तनवर ही बोलेंगे भाई। तो कोइंसिडेंटली ये जो मेरा प्यारा मित्र है ये गोवा में मिला पूरे के पूरे आई गेस 11 साल बाद, क्योंकि 2012 में हम पास आउट हुए थे और उसके बाद ये सीधा मुझे गोवा में ही मिला है। और वो भी मतलब किसी बात करते करते इसने बोला कि मैं गोवा में ही हूँ, और उसके बाद फिर इसने मेरी स्टोरी चेक करी और फिर हम मिले। सो बहुत अच्छा लगा मिल के। उसको मिलने के बाद मैं फिर दोबारा होटल आया, और ये एक बार भाई मेरे हुनर संधू की भी बात सुन लो क्या कहना चाह रहा है। और सच्ची कार अरे कहना क्या चाहते हो? एंड उसके बाद हम अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गए कैंडोलिन की तरफ, जहाँ हम करेंगे आज का लंच। और ये पहली बार समुद्र दर्शन करते हुए मम्मी पापा। वही हमने खाना खाया सिद्धू पाजी के सॉन्ग्स के साथ। सो सिद्धू पाजी इज प्लेइंग इन गोवा। Thank you.
कमेटी। तो ये था जी हमारा पहला दिन और हमारा पहला व्लॉग। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।